मित्रों, आज हम जानेंगे प्रभु श्री राम के बेटों लव और कुश का इतिहास। इतिहास शब्द तीन संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह, आस, अर्थात भूत में जो इस तरह था, अर्थात इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का वर्णन है। भगवान श्री राम के भाई भरत के दो पुत्र थे, तारक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु थे। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव और कुश भगवान राम तथा माता सीता के जुड़वां बेटे थे। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती और कुश को कुशावती का राज्य दिया। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कौशल को भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। भगवान राम के पुत्र लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बगुजर, जयास और सीकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी शिशोदिया राजपूत वंश, जिसमें बैसला और गहलोत वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लोहपुरी के नाम से भी जाने जाने लगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस, थाई नगर, लोहपुरी दोनों ही इनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। कुश वंश के राजा शिरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्य वंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोध के अनुसार लव और कुश के 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यदि इसकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे।